NRLM में आज से 3 साल पहले जुड़ी थी। हमें एक मोबिलाइजेशन टीम आई यहाँ पे, उन्होंने हमें अवेयरनेस एक प्रोग्राम दिया, NRLM एक स्कीम है, आप इसके साथ जुड़ जाओ तो आप इससे अच्छा फ़ायदा उठाओगे। फिर हम NRLM के साथ जुड़ गए, तो फिर मैं खुद मोबिलाइजर का काम कर रही थी, क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली थी जिनको पालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तब NRLM मुझे 1500 रुपये की सैलरी देता था, लेकिन मैं उस 1500 रुपये पे भी सेटिस्फाइड थी कि शुक्र अल्लाह का मुझे ये 1500 रुपये मिल रहे हैं। जब हमारा पहला रिवॉल्विंग फंड आया तो मैंने उससे भी कुछ लोन लिया और अपने घर के लिए कुछ थोड़ी बहुत गाय, एक थी पहले हमारे घर में, फिर मैंने दूसरी गाय भी लाई उसकी मदद से, तो मैंने अपना रोज़गार अच्छे से चलाना थोड़ा शुरू किया। हम बहुत फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, तो मैं एक ST फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो फिर मैंने उनको भी ये मशवरा दिया कि हम लड़कियाँ खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। फिर मैंने उनको भी ऐसा लोन दिलाया, बैंक लीकेज वगैरह की, या NRLM ने हमें बहुत सारी और भी लोन दिए हैं, तो हमने सब ने गाय लाई अपने घर में और अपना रोज़गार अच्छे से चलाने लगे। हमें दूध बिक्री करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमें यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान है जहाँ पे हम अपना दूध ले जाते थे। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा यूनिट स्टार्ट करूं, मैं खुद क्यों ना अपना प्रोडक्ट बनाऊं। तो मैंने NRLM से, जो हमारे BPM सर थे उस टाइम कंसर्न, मैंने उनसे बात की कि मुझे ऐसा यूनिट चाहिए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे एनिमल हस्बेंड्री वालों से बात करवाई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कैसे अप्लाई करो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें देने हैं। 1 अप्रैल से मैंने ये अपना यूनिट खोला है यहाँ पर, और मैं अपने यूनिट से यहाँ पे एक तो रॉ मिल्क मैं बेचती हूँ आर्डर के हिसाब से, क्योंकि रॉ मिल्क यहाँ पे कम ही बिकता है। पनीर ज़्यादा बेचती हूँ मैं, क्योंकि पनीर की मुझे बहुत डिमांड है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ कहीं पे नहीं मिल रही है, और मैं 100% ऑर्गेनिक बनाती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कोई मिलावट नहीं है। मैं सारी महिलाओं को यही मैसेज करूंगी, अगर मैं एक फार फ्लंग एरिया में रहती हूं और मैं, मेरे पास उतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, मैंने खाली मैट्रिक तक पढ़ा है, अगर मैं यहां पे रह के ये कर सकती हूं, तो जो महिलाएं हमारी ग्रेजुएशन करके MBA करके अपने घर में बैठी हुई हैं, वो क्यों नहीं कर सकती हैं? वो भी कर सकती हैं, वो अपना, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, वो खुद अपना रोज़गार कमा सकती, यही कि अपना रोज़गार नहीं, वो साथ में अपने परिवार को भी पाल सकते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं गवर्नमेंट का कैसा शुक्रिया अदा करूं कि जिन्होंने महिलाओं के लिए ये स्कीम रखी है।